नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। आप अपने घरों में बहुत ही हंसी से होंगे, खुशी से होंगे। और इसी के साथ मैं आप सभी का वेलकम करना चाहूँगा आपके अपने YouTube चैनल जो कि है चौहान सर क्लासेस। ठीक है, ये एक नया चैनल, एक नया इनिशिएटिव मैंने आप सभी लोगों के लिए लिया है। ठीक है, तो आज ये टॉपिक जो हम डिस्कस करने हैं वाले हैं, उससे पहले मैं एक बात का आपको थैंक यू करना चाहूँगा, आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच कि आपने मेरे ज्यूरिसप्रूडेंस की वीडियोस को सराहा, उसमें कुछ खामियां थी उस पर आपने कमेंट किया। मैं यही चाहता हूँ कि आप उस वीडियो को देखो। ठीक है, उस वीडियो को देखो, उसमें कोई खामी हो तो मुझे बताओ कमेंट करके, ताकि कोई वीडियो, जैसे एक एक बच्चे ने कहा कि सर वीडियो क्वालिटी इज समवट पुअर, उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करिए, तो मैं थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी जो है इस लेक्चर में इम्प्रूव करने वाला हूँ। वॉइस के लिए मैंने माइक यूज़ किया है, तो आप आराम से जो है बिल्कुल, सो ईच एंड एवरी थिंग इज गोइंग टू बी परफेक्ट स्टेप बाई स्टेप। और हाँ, एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा कि देखिए, अभी ये शुरुआत है, धीरे से अभी ट्रेलर, अभी पिक्चर तो पूरी यहाँ नहीं बाकी है, और मैं पूरे टीम का इकलौता सदस्य हूँ, तो मुझे जो है थोड़ा सा पेशेंस रख के पढ़ते रहिए ध्यान से। तो आपको थोड़ा सा समय दीजिए, अब थोड़ा सा समय देंगे, ध्यान से पढ़ते रहेंगे तो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आ जाएंगी। और मैं आपको बता दूं प्रायर इन्फॉर्मेशन ही कि मैं इस पे सूटिक्स भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, और कोलोजी भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। उसके अलावा एक सिटीजन के नाते आजकल देखते हो कि बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, वो सब चीज़ें होती हैं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी आपके मतलब का पढ़ाऊंगा, और आपको करियर का भी गाइडेंस बताऊंगा, जीपैट नाइपर का भी गाइडेंस बताऊंगा, उसके अलावा फार्मासिस्ट का एग्जाम हो, चाहे डीआई का एग्जाम हो, कुछ भी, ईच एंड एवरीथिंग हो, हर चीज़ की बिल्कुल आपको इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, हर चीज़ के बारे में बताऊंगा, ताकि आपका एक परफेक्ट जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, परफेक्ट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट शुड बी देयर। चलिए ठीक है, ज़्यादा वीडियोज़ को लंबू नहीं करते हुए हम जो है बिल्कुल, आज आप देख पा रहे होंगे कि जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये टॉपिक आप पूछ रहे होंगे कि सर आपने ये टॉपिक क्यों सेलेक्ट किया। इस टॉपिक के पीछे बहुत बड़ा औचित्य है, क्योंकि आप कभी भी किसी कंपटीशन एग्जाम में जाते हो, कभी भी कोई एडमिशन लेते हो, या फिर जॉब में जाते हो, तो यू हैव टू फेस एन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, जिंदगी भी कहते हैं ना कि जिंदगी भी एक एग्जाम है, तो वैसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको फेस करने होते, चाहे आप कहीं भी एडमिशन लो, किसी कोर्स के लिए एडमिशन लो, चाहे आप जॉब के लिए जाओ, तो इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को हम सभी को कभी ना कभी जिंदगी में फेस करना पड़ता है। ठीक है, अगर हम शिक्षा में विश्वास रखते हैं तो। ठीक है, तो चलिए, इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, बहुत इंफॉर्मेटिव लेक्चर होने वाला, थोड़ा सा वक्त दीजिए। मेरे लेक्चर में क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ, तो कुछ एक आध दो मिनट वीडियो जो आपको लगता होगा कि सर जो है हो सकता है बोर कर रहे हो, बट मैं वो आपको बैकग्राउंड बताना जरूरी है, ताकि आप उस चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाए। ठीक है, सो आज हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज टॉपिक हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनी, देखो यहाँ पे वर्ड लगा हुआ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। उससे, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक चीज समझ लो कि कुछ लोग कहते हैं सर समझ में नहीं आता कि सर स्टूडेंट किसे बोले और किसे एस्पिरेंट बोले, यही नहीं समझ में आता। तो देखो, एस्पिरेंट का मतलब होता है, हिंदी में उसको कहते हैं प्रतियोगी छात्र। तो प्रतियोगी छात्र किसको बोलेंगे, जो प्रतियोगिता की तैयारी करता हो, जो कॉम्पिटिशन की तैयारी करता हो, यानी कि ऐसा स्टूडेंट, यानी वो भी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट ही है, लेकिन वो किसकी तैयारी कर रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। नॉर्मल एग्जाम्स हो गए आपके, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हो, बोर्ड एग्जाम्स, वो सारे बच्चे स्टूडेंट के कैटेगरी में आते हैं, लेकिन जैसे ही आप कोई कंपटीशन की तैयारी करने लगते हैं, यू आर जस्ट गोइंग टू फाइट विद द वर्ल्ड थ्रू दैट कंपटीशन, सो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू कम अंडर द एस्पिरेंट। तो व्हेन अ स्टूडेंट इज फेसिंग एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, इट कम्स अंडर द एस्पायरेंट। बात वही है, थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, वो आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, किसी भी एग्जाम को प्रिपरेशन करने के लिए, तैयारी करने के लिए कुछ बेसिक स्ट्रेटजी होती हैं, तो मैं इस वीडियो को एक जनरलाइज वीडियो बनाऊंगा, चाहे दुनिया में कोई भी एग्जाम दो, मैं कहता हूं फार्मेसी का कोई भी आप एग्जाम दे लो, ठीक है, चाहे वो जीपैट आप दे लो, चाहे नाइपर दे लो, चाहे ड्रग इंस्पेक्टर दे लो, चाहे फार्मासिस्ट देख लो, चाहे कोई अगर फील्ड से डेविएट भी होता है, तो चाहे वो यूपीएससी का बंदा कर रहा हो तैयारी, चाहे वो एसएससी का कर रहा हो, चाहे रेलवे का कर रहा हो, किसी भी, वॉट एवर द एग्जाम यू आर जस्ट गोइंग टू प्रिपेयर, देयर आर सर्टेन बेसिक स्ट्रेटजी, कुछ बेसिक स्ट्रेटजी होती हैं आपको फॉलो करना पड़ता है। मैं हमेशा शॉर्टकट का खिलाफत करता हूं, ठीक है, शॉर्टकट कभी भी लाइफ में अपनाना नहीं चाहिए, ठीक है, अवॉइड करो शॉर्टकट को। इसका यह मतलब नहीं कि लॉन्ग कट, शॉर्टकट नहीं, मैं कहता हूं स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉलो करो, ना शॉर्टकट को फॉलो करो, ना लॉन्ग कट को फॉलो करो, स्मार्टली उसको अडॉप्ट करो, और कोई चीज पढ़ो तो उसका उसका एक एक तरीका, कि जो चीजें आपको समझ में आती हैं। ठीक है,
तो अगर किसी भी एग्जाम की हमें तैयारी करनी होती है तो सबसे पहले हमें कुछ बेसिक स्टेप होते हैं, और वो बेसिक स्टेप आपका शुरुआत होता है सिलेबस से। ठीक है, सबसे पहले आप उस एग्जाम का सिलेबस देखते हो। देखो मैं साइड बाय साइड आपको दोनों का एग्जाम्पल दूंगा, चाहे वो यूपीएससी लेवल का हो, चाहे जितने भी ये आपके गवर्नमेंट के एग्जाम जितने भी होते, चाहे एसएससीबी का हो, रेलवे का हो, आईबीपीएस का हो, चाहे फार्मासिस्ट को, दीज स्ट्रेटजीज आर गोइंग टू फिट फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम। ठीक है, तो सबसे पहले किसी एग्जाम की तैयारी करनी हमें, तो हमें सबसे पहले सिलेबस देखना जरूरी होता है। ठीक है, सिलेबस देखना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि उससे हमें अपनी क्षमता पता लगती है कि वेदर वी कैन क्रैक द एग्जाम और नॉट। अंदर से फीलिंग आती है, यहाँ जो दिल है ना वो बोलता है कि बेटा तुमसे हो जाएगा, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तो इस तरीके की कुछ फीलिंग आती है। ठीक है, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। उससे पहले एक चीज आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जानना कि उस एग्जाम के रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ दैट एग्जाम। ये पॉइंट एक लाइन मत समझो, यही आपका सिलेक्शन करवाता है, ये सिलेक्शन रुकवा देता है। हमको यही नहीं पता होता है कि रिक्वायरमेंट क्या है एग्जाम की, व्हाट इज द डिमांड फॉर दैट एग्जाम। और इससे पहले आपको पता होना चाहिए अपने जिंदगी का एम, कुछ तो जिंदगी का मकसद होगा यार, कुछ तो करने आया होगा, डांसिंग सीखना, सिंगिंग सीखना, पढ़ाई, कुछ भी आपका जो इंटरेस्ट है। तो लाइफ में एक एम बनाओ सबसे पहले, आपकी जिंदगी बिना मकसद के नहीं होने चाहिए, वो तो जानवर भी जिंदगी जीते हैं, फिर उसका क्या मतलब हो गया। सो देयर शुड बी अ एम इन योर लाइफ, वो एम छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, चाहे पायलट बनो, चाहे फार्मासिस्ट बनो, चाहे डीआई बनो, जो भी, व्हाट एवर द एम यू आर हैविंग अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी, एक्सप्लोर दैट। इसीलिए मैंने इस चैनल का टैगलाइन जो लगाया वो आप देखना उसमें, ठीक है, अनलॉकिंग द पोटेंशियल। पोटेंशियल को खोलना है, क्योंकि हर बच्चा टैलेंटेड है, ईच एंड एवरीबॉडी इज टैलेंटेड, यू हैव टू जस्ट गिव अ क्लिक। ठीक, तो सबसे पहले अपनी जिंदगी का मकसद बनाना है। जब जिंदगी का आपने मकसद बनाया तो आपने डिसीजन लिया होगा कि वो मकसद कैसे पूरा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आप देखते हो, चाहे मिडिल क्लास की फैमिली से हो, चाहे कोई भी क्लास के फैमिली से हो, तो कहीं ना कहीं शिक्षा बहुत बड़ा हथियार के तौर पर काम आती है। तो शिक्षा ही कहते हैं ना कि शिक्षा ऐसी हथियार है, शिक्षा एक ऐसा टूल है जिससे हम बहुत अच्छा लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं वो नहीं लाइफ में बढ़ते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है और ऐसा चीज देखी गई है। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, रिक्वायरमेंट ऑफ दैट एग्जाम। जैसे सपोज करिए मैं यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहा हूँ, तो यूपीएससी के लिए आप क्या बनने जा रहे हो, सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हो। आप पब्लिक से इंटरेक्ट करोगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल उस तरीके से होनी चाहिए, जिस जगह पे आपको पोस्टिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपके पास, आपके अंदर लीडरशिप होनी चाहिए, आपके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, इसीलिए डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन पूछा जाता आपसे। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन आपसे पूछा जाता, आपके अंदर पढ़ने की एबिलिटी होनी चाहिए, फास्ट डिसीजन ले सको आप एक वाइड सोसाइटी के लिए। ठीक है, तो उस एग्जाम के रिक्वायरमेंट अलग है। और अगर डीआई के ड्रग इंस्पेक्टर के देखें, तो ड्रग इंस्पेक्टर में क्या करते हो आप, पूरे जिले में जो 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 देख रहा है वो ड्रग इंस्पेक्टर के अंदर में तो हो सकता है एक भी हो सकता है दो भी हो सकता है, उसको एडीआई असिस्टेंट डीआई जो उसको सपोर्ट कर रहे हो, तो पूरे जिले का वो मालिक पूरे जिले को देख रहा है वो ड्रग के रेफरेंस में। ठीक है, तो उसको सारी जानकारी पता होनी चाहिए कि कहाँ पे कोई अगर इंडस्ट्री स्टेब्लिश है तो उस इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन हो रहा है दैट इज गोइंग टू बी इन अ वेरी करेक्ट मैनर और नॉट, जो रेगुलेशन फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई इन्वायरमेंट को इफेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, या फिर कोई मेडिसिन जो है मार्केट में आई है साइड इफेक्ट हो रहा है उसको बैन करने से लेके हर चीज, ईच एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट अलग है। तो जिंदगी का सबसे पहले मकसद होना चाहिए, उसके अलावा हमें रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जाम पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह जो है लेखपाल का एग्जाम भरे, फिर पटवारी लेखपाल और फिर ये सारे एग्जाम देते देते जो है, और फिर एसएससी और आईबीपीएस देते, फिर यूपीएससी पहुंचे, फिर शाम को जो है लेखपाल बन के आ गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपको एक एग्जाम डिसीजन लेना चाहिए। हालांकि अभी आज थोड़ा सा एक्सेप्शन हो गया कि बहुत सारे एग्जाम्स का सिलेबस लगभग लगभग सेम आता है, तो आप कई एक साथ कई एग्जाम टारगेट कर सकते हो। मैं इस चीज में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल एक एग्जाम आप, तो रिक्वायरमेंट आपको पता लग गई। अब उसके बाद हमें सिलेबस पे काम करना है, इस सिलेबस को देखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इस सिलेबस को देखोगे ना, तो आपकी क्षमता, आपकी कैपेबिलिटी पता लग जाएगी। ठीक है, और अपनी कैपेबिलिटी देख के पता लगा बेटा मुझसे ना हो पाएगा, बेटा हो जाएगा मेरे से, अंदर से फीलिंग है, दिल बोलेगा बेटा तुमसे ना हो पाएगा, या तो फीलिंग आएगी बेटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सिलेबस देखना बहुत जरूरी है। तो सिलेबस देखना, तो अंदर से आपका एक दिल से फीलिंग आती है अंदर से कि वेदर आई कैन क्रैक द एग्जाम और नॉट। अरे यार तो बहुत आसान है यार, इजली वी कैन क्रैक, या तो फिर लगेगा यार ये तो बहुत टफ है यार, मेरे बस का नहीं, मैं इतना पढ़ नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो दो ही होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने सिलेबस देखा
उस एग्जाम का जिसको आपने फोकस किया हुआ है क्रैक करने के लिए, उस एग्जाम का पिछले साल का क्वेश्चन पेपर, ये समझ लिए रामबाण है बिल्कुल एकदम। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखना बहुत जरूरी है, देखोगे इससे तो आपको आइडिया लगेगा कि कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा, पहले तो सब्जेक्ट डिसाइड होता है कि जैसे मैं अगर यूपीएससी की बात करूं तो आपको पता लगेगा हिस्ट्री से ज्यादा पूछा गया, करंट से पूछा गया है, तो आप देख रहे हो आजकल का ट्रेंड करंट्स का चल रहा है। तो उसी तरीके से जब फार्मासिस्ट का एग्जाम दोगे तो आपको पता लगेगा कि उसमें जूकोलॉजी ज्यादा पूछी जा रही है। ड्रग इंस्पेक्टर में जूरिस्प्रूडेंस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, सुटिक्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो सब्जेक्ट आप डिसाइड कर पाओगे, और जैसे आपने सब्जेक्ट डिसाइड किया अब उसके अंदर जो क्वेश्चंस आपको पता लगने वाले हैं कि व्हाट लेवल ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग, दे आर आस्किंग जस्ट क्लासिफिकेशन, दे आर आस्किंग जस्ट मोड ऑफ एक्शन, दे आर आस्किंग द साइड इफेक्ट और व्हाट एवर द थिंग्स दे आर आस्किंग, सो द डेप्थ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड उस क्वेश्चन पेपर से। यानी कि फार्मासिस्ट आपको पता लग जाएगा कि फार्मासिस्ट एग्जाम अच्छा है, ये तो सिंपली पूछ रहा है किस क्लासिफिकेशन में, लेकिन ड्रग इंस्पेक्टर में मैकेनिज्म पूछ देगा तो आपको डेप्थ पता लगेगा। यूपीएससी एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन देखने के बाद पता लगेगा कि इकोनॉमिक्स में कहाँ पूछ रहा है, हिस्ट्री में कहाँ पूछ रहा है, वेयर इट इज आस्किंग फ्रॉम विच टॉपिक, एंशियंट हिस्ट्री से पूछ रहा है कि मेडिवल हिस्ट्री से पूछ रहा है कि मॉडर्न हिस्ट्री से, तो आप देख रहे होगे कि मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन ज़्यादा आता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर देखना जरूरी कितना है, और कम से कम 5 साल का, 5 साल का तो देखिए जो करंट ट्रेंड्स है। ठीक, चलिए, उसके अलावा आपको स्मार्ट जो स्टडी करनी होती है, स्मार्ट स्टडी कैसे बोलते हैं, कहते हैं, मैं कहता हूं हमेशा, मेरा एक पर्सनल सजेशन आपको हमेशा रहता है, मैं हमेशा बच्चों को रिमाइंड करता हूं फैक्ट्स के पीछे मत भागो, क्लियर योर कॉन्सेप्ट। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हो, हिस्ट्री आप वही एग्जाम आईबीपीएस में भी देते हो, हिस्ट्री वही एग्जाम यूपीएससी के लिए भी देते हो, एसएससी के लिए भी देते हो, आप सुटिक्स पढ़ते हो, आप कोलोजी पढ़ते हो, वही एग्जाम आप जो है फार्मासिस्ट के लिए देते हो, डीआई के लिए देते हो, जीपैट के लिए देते हो, वही जूरिस्प्रूडेंस देते हो, तो क्यों ना इस तरीके से उसको पढ़ा जाए कि वो हर जगह काम आ जाए, हर जगह अलग अलग ना पढ़ना पड़े हमें। तो यही तो मेरा काम है आपको सिखाना, यानी कि आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा। एक बार अगर आपका बेस क्लियर हो गया ना तो आप समझ लो कि लाइफ में बहुत तगड़ी मार चोट करने वाले हो बिल्कुल। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, और जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जैसे मान लीजिए आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाऊं कि व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक्स, व्हाट इज डायनेमिक्स, दोनों के बीच डिफरेंस, ये रट्टा मत मारो कि दवा बॉडी के साथ क्या करती है, बॉडी तो नहीं, रट्टा नहीं मारना है कि एग्जैक्टली क्या, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट, यू हैव टू अंडरस्टैंड, सो गो फॉर द कॉन्सेप्ट, बिकॉज वो कॉन्सेप्ट हर एग्जाम में आएगा, और जैसे हर एग्जाम में आएगा घुमा फिरा के किसी भी तरीके से पूछे, आप डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। ठीक है, उसके अलावा फैक्ट्स भी पढ़ने होते हैं, कुछ जो सबॉर्डिनेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, सबॉर्डिनेट का मतलब जो छोटी परीक्षाएं होती हैं, चाहे रेलवे की डी ग्रेड की हो, चाहे जो भी परीक्षाएं हो, चाहे फार्मासिस्ट को, उसमें फैक्ट्स भी कुछ पूछे जाते हैं आपको, तो फैक्ट्स भी साथ साथ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, अपने आप को अपडेट रखना जरूरी है, अगर अपडेट आप नहीं करें तो गए। अपडेशन ऑफ योर सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ योर सिलेबस, कोई भी टॉपिक पढ़ा उससे पहले, जैसे मैं आपको दिखाऊं, मैं आपको समझाऊं, जैसे कि नागरिकता आप पढ़ रहे हो, पॉलिटी में पढ़ रहे हो, ठीक है, नागरिक हमारे देश का नागरिक कौन हो सकता है, तो अभी आपने देखा होगा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पढ़ो, और पहले नागरिकता क्या थी, तो वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट तभी समझ में आएगा आपको जब आपने बेसिक कॉन्सेप्ट सिटीजनशिप पढ़ा है और उसमें क्या क्या प्रावधान था और अब क्या किया गया, तो पूरा सीरियल वाइज आप पढ़ रहे हो तो यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना, फैक्ट क्लियर करना, अपडेट करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल फार्मेसी में दूं, जब आप इम्प्लांट्स पढ़ते हो तो आप अभी सुन पा रहे हो कि एक न्यूरालिंक का ब्रेन इम्प्लांट डिवाइस जो है स्पेस एक्स कंपनी की, आप जान रहे हो बहुत बड़े आदमी है स्पेस एक्स के कंपनी के मालिक एलोन मस्क, और बहुत ब्रिलियंट बंदा है। इसकी खासियत इस बंदे की है कि ये बंदा बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, बहुत इंटेलिजेंट नहीं है IITian की तरह या कुछ भी, बहुत ऐसा कुछ नहीं है, बट ही इज हैविंग द कीन ऑफ इंटरेस्ट टू नो द थिंग्स, उसके अंदर एक कीड़ा है जानने का कि मुझे ये चीज समझना है, पढ़ने की आदत है बंदे को, पढ़ पढ़ के जान जान के सीखता है वो बंदा कि कैसे करते हैं हम, वो पावर इनके अंदर है एलन मस्क। और इन्होंने न्यूरालिंक करके एक जो है ब्रेन इम्प्लांट डिवाइस डेवलप किया है, ये बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी हो सकता है, सोचो न्यूरालिंक। क्यों? क्योंकि जितने भी ब्रेन के डिसीज होती है, चाहे अल्जाइमर डिसीज, कोई भी डिसीज हो, ये उसके सिग्नल्स को पढ़ता है। आप इसके जैसे इम्प्लांट करोगे, ब्रेन में क्या हरकत हो रही है, दिस ऑल एक्टिविटीज यू कैन रिकॉर्ड कि अल्जाइमर में क्या हो रहा है, तो बीमारी का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट निकल सकता है। इट्स अ रिवोल्यूशनरी आइडिया, क्रांतिकारी विचार है अपने आप में। ठीक है, चलिए, उसके बाद आपको रिविजन करने की बहुत जरूरत होती है।
देखो सारा पढ़ लिया, ओवरफ्लो हो रहा है इतना पढ़ लिया, लेकिन अगर ये रिवीजन नहीं किया भाई साहब ना, आपने गए आप काम से। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अपने लाइफ में जितने भी एग्जाम दिए हैं, अब आप लोग मुझसे कहेंगे सर आप इतना ज्ञान दे रहे हो, आपने भी तो एग्जाम को दिया है कि नहीं दिया, मेरी प्रोफाइल के बारे में, मेरे बारे में जो मेरे से बच्चे पढ़े हैं वो समझते हैं, जानते हैं व्हाट आई हैव डन माई इन लाइफ थ्रू आउट द लाइफ और मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। वो बच्चों को भी पता है मेरी कैपेबिलिटी, ठीक। सो रिविजन में आप क्या करते हो, ये आपका स्कोर, यहां मैंने लिख दिया वो शॉर्टकट में, इट इंक्रीजेस द स्कोर। आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूं जो मैंने एग्जैक्टली फेस किया हुआ है। जब आप निगेटिव मार्किंग का एग्जाम देते हो ना, तो उसमें एलिमिनेशन टेक्निक यू आर गोइंग टू यूज, एलिमिनेशन। इसका मतलब क्या होता है कि चार ऑप्शन में से, अच्छा फोर्थ वाला नहीं, ये नहीं लग रहा, इसको एलिमिनेट कर दिया, थर्ड वाला इसको एलिमिनेट कर दिया। अब बचे कुल दो ऑप्शन, या तो ये सही होगा या आपका पूरा गलत हो रहा था। अभी चांसेस कितने होगा, 50-50%। सो यू कैन टेक द रिस्क बाय दिस एलिमिनेशन टेक्निक, ठीक है। ये सारी चीज मैं बताऊंगा कि एग्जाम को कैसे अच्छे से अटेम्प्ट करना, क्या नहीं करना है। एक एक वीडियो पेशेंस रखिए, एक एक वीडियो बहुत अरेंज और सिस्टमेटिक वे में मैं लाने वाला हूँ, क्योंकि अकेले टीम का सदस्य हूँ तो धीरे धीरे सारी चीजें आती रहेंगी, बस आप संयम से पढ़ते रहिए एक एक चीज धैर्य बना के, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जब निगेटिव मार्किंग में आप देखते हो, तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो पहले अटेम्प्ट में सारे बच्चे मान लो 150 क्वेश्चन आया, तो 70-80 तो सभी कर देते हैं, लेकिन आपके मेरिट आपको पता है कि 110 कट ऑफ जा रहा है, तो आप क्या करने वाले हो। अभी 80 तो सब कर दे रहे, लेकिन 80 से 110 लाने में यही एक एक नंबर जो बढ़ाने काम करता है ना, वो एलिमिनेशन बढ़ाने का टेक्निक लगा लगा के नंबर, यानी कि खाली रट्टा मारने से, खाली समझने से काम नहीं बनेगा, साम दाम दंड भेद सब लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर टेक्निक आपने जब जब रिविजन करते हो ना, तो जो एलिमिनेशन 50% वाला था ना, अरे यार ये था ए वाला होगा बी वाला, बड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो जब रिविजन करते हो ना, तो आपके 5 से 7 क्वेश्चन, अगर 150 क्वेश्चन है तो कम से कम 7 क्या 10 भी आप मान सकते हो, 10 क्वेश्चन आपके 100% बनने वाले हैं, ठीक है। तो स्कोर इससे अपडेट होता है, आपका सिलेक्शन ये सिक्योर करता है, फाइनल करता है। रिविजन इतना बड़ा इंपॉर्टेंट है, सो रिविजन को हल्के में मत लीजिए, पढ़ना इंपॉर्टेंट तो है ही, उससे ज्यादा का इंपॉर्टेंट रिविजन। उसके अलावा आप क्या करते हो, टेस्ट आपको देना जरूरी है, आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। कौन सी प्रैक्टिस करना जरूरी है, टाइम बाउंड। और टेस्ट देने के लिए या तो खुद आप ऑनलाइन कोई टेस्ट फॉलो कर लीजिए, किसी कोचिंग का ज्वाइन कर लीजिए, मैं किसी कोचिंग गाइड नहीं कर रहा हूं, ठीक है। या फिर आप क्या करो, खुद से कुछ क्वेश्चन के सेट बना, उसको प्रैक्टिस करो आप, लेकिन आपको टाइम बाउंड करने हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दू SSC का, SSC 60 मिनट में 100-100 क्वेश्चन करने होते हैं, सोचो कितना ब्रिलियंसी उसमें दिमाग लगाना होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन अगर आपने टाइम बाउंड नहीं कर पाए, आप सोच के देखो फैक्ट कि एक एग्जाम है उसी में बंदा टॉप करता है और आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, क्या फर्क है उसमें हमारे में, बिकॉज ऑफ दिस ही हैज प्रैक्टिस्ड टाइम बाउंड मैनर में। ये टाइम बाउंड मैनर में होना चाहिए। इसमें देखो एक चीज होगा जब मैंने महसूस किया है, वो ये चीज होता है कि स्कोर आपका कम आता है, तो आपको लगेगा यार अब टेस्ट सीरीज में तो बहुत अच्छे नंबर नहीं, यार मेरा तो सिलेक्शन नहीं होने वाला। नो, दिस टेस्ट सीरीज इज नॉट गोइंग टू डिसाइड योर करियर, आई एम जस्ट सेइंग यू, आपका करियर बिल्कुल डिसाइड नहीं करने वाली है ये टाइम बाउंड प्रैक्टिस। आपको करने से क्या होगा कि आपको टाइम का मैनेजमेंट आ जाएगा, जो डर होती है, जो घबराहट होती है एग्जाम हॉल में ना, तो वो घबराहट खत्म हो जाएगी। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक स्ट्रेटजी जो है जनरली एग्जामिनर फॉलो करता है, वो क्या स्ट्रेटजी होती है, वो स्ट्रेटजी ये होती है कि या तो क्वेश्चन पेपर के सेट में शुरुआत में इतना टिपिकल क्वेश्चन वो बना के दे देंगे ना, कि आप जो है बिल्कुल कहोगे यार 5-7 क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा यार मेरा क्या होगा, मेरा तो आप तो गया, मैं सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन बाद में आपको अश्योर कर रहा हूँ कि आप 150 क्वेश्चन का अगर सेट है, तो पूरा 150 क्वेश्चन लगाइए आप। लास्ट में क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, वो आपको डरवाने के लिए, आपके माइंड सेटअप को डिस्टर्ब करने के लिए किया जाता है। और अब मान लीजिए कभी कभी सेट आसान हो जाता है, लेकिन ऐसा कम होता है, लेकिन आसान होने पे कूदना नहीं है, उतला चाले में नहीं रहना, बिल्कुल संयम से काम रखिए, क्योंकि जल्दीबाजी में ही गलत होता है, ओवर कॉन्फिडेंस गलत करवा देगा, अरे यार अच्छा इसका आंसर ये, नो बी केयरफुल, इतना हलवा भी नहीं है उसको तुरंत आप आए और खा गए, ठीक। उसके बाद एग्जाम आपको देना है, यहां से सारी डर टेंशन सब कुछ फ्रस्ट्रेशन खत्म। अब एग्जाम के दिन आ भाई, एग्जाम जाओ और फोड़फाड़ मचा दो बिल्कुल एकदम, मतलब एग्जाम को जाके डरवा दो, इससे पहले कि एग्जाम आपको डरवाए, एग्जाम को डरवा दो। मेरा कहने का ये मतलब है, बिल्कुल शांत दिमाग से जाओ, पूरी प्रॉपर नींद लेके जाओ, और एग्जाम को थोड़ा सा समझो कि क्या आया हुआ, एक बार क्वेश्चन देखो, तो आपको देखने के बाद लगे यार पेपर आ रहा नहीं आ रहा, अगर नहीं भी आ रहा थोड़ा सा पेशेंस रखो, ये दिमाग ऐसी चीज है ना कि अगर पेशेंस रखा आपने, थोड़ा सा संयम बना के रखा, तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा ना वो भी धीरे धीरे आने लगेगा। एग्जाम को बढ़िया से दीजिए, और जैसे एग्जाम देंगे अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं,
मेरा श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ, मेरा पूरा भरोसा है जो मैंने अपनी लाइफ में अचीव किया है, जो मैंने देखा है, डेफिनेटली यू आर गोइंग फॉर दी सिलेक्शन। चाहे आप किसी के एडमिशन के लिए सिलेक्शन हो, चाहे नौकरी के लिए, दिस बेसिक स्ट्रेटजीज यू शुड फॉलो। आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, लेकिन सिलेक्शन क्यों क्यों उसी मुखर्जी नगर में यूपीएससी के लोग 10-10 साल 5-5 साल वहीं अपनी जो है जिंदगी बर्बाद हो जाती है उनकी, ठीक है, जिनकी कैटेगरी नहीं, वो 10-10 साल वहां पे जाके अपनी बर्बाद कर देते हैं जिंदगी। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रॉपर गाइडेंस नहीं उनको मिल पाता है। सो प्रॉपर गाइडेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल के समय में डेटा इज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। सबके पास यूट्यूब है, सबके पास नेट है, सब चैनल क्रिएट करके बैठे हुए हैं, सब वीडियोज दे रहे हैं, लेकिन किसी टॉपिक को एक ईजी वे में समझाना किसी बच्चे को, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैंने जूरिस्प्रूडेंस है, जूरिस्प्रूडेंस में अभी पहला लेक्चर थे मेरा, आप दूसरा लेक्चर देखना कितने बढ़िया से, कोलोजी का। तो मैं अभी क्या करूंगा, शुरुआती में हर सब्जेक्ट का एक एक लेक्चर आपको डाल दूंगा, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कितने बेहतरीन से हम पढ़ने वाले हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है, तो ये स्ट्रेटजीज आपको फॉलो करनी चाहिए। और लास्ट में, ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि आपने कहा था क्वालिटी करने के लिए, तो मैंने एमबीज थोड़ा सा बढ़ा दिए हैं। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था, जो मैंने अपने लाइफ में सीखा है कि फोकस बहुत ज़रूरी है। चाहे मेरे दोस्त जिनका सिलेक्शन हुआ है, चाहे जो भी मेरे जानने वाले रहे हैं, मैंने उनमें एक चीज़ पाई है कि दे वर फोकस्ड। जिंदगी में फोकस होना बहुत ज़रूरी है। आपको एग्जांपल एक देता हूँ कि आप कभी गांव देहात के अगर बैकग्राउंड से होंगे, तो जब आप हैंडपम्प चलाते हो, उसके नीचे गांव देहात में पत्थर रखा होता है, उस पत्थर पे कंटिन्यूअस पानी गिरता है और पत्थर देखते ही दिन घिस जाता है। तो किसी भी चीज़ पे अगर आप डेली चोट मार रहे हो, डेली आप उस पर हिट कर रहे हो, उस पर चोट मारे जा रहे हो आप, तो हिट करने के बाद जो है डेफिनेटली उस पर प्रभाव पड़ने वाला है। एक ही सब्जेक्ट को, एक ही टॉपिक को बार बार रिविजन कर रहे हो, पढ़ रहे हो, यू आर जस्ट गोइंग टू क्लिक दैट आइडिया। सो डेफिनेटली कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज जोश जोश में आए और पूरा दस, मतलब मैं ही जोश में आ जाऊँ, 10-15 वीडियो बना दूँ, फिर एक महीने शांत बैठ जाऊँ। नो, दिस इज नॉट गुड। कंसिस्टेंसी शुड बी देयर। एक वीडियो आए, दो आए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको भी अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। यू हैव टू गिव द टाइम, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। पेशेंस रखोगे तो हर चीज़ मिलेगी। मैं बच्चों के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड हूँ, चाहे मैं जहाँ भी काम किया, अगर नहीं मुझे मौका मिला है, लेकिन मैं चाहूँगा कि मुझे जब मौका मिलता है तो मैं बच्चों के लिए बहुत अच्छा करूँ, ठीक है। और मैं एक चीज़ आपको कह भी देता हूँ कि बहुत लोग कह रहे होंगे सर आप यूट्यूब चैनल खोल के आपका कमाने का मकसद है। देखो, कमाने वमाने का मेरा कोई मकसद नहीं है। मैं अपना सर्वाइवल के लिए जॉब कर रहा हूँ, मैं करता भी हूँ, मेरा बैकग्राउंड भी ऐसा, मुझे सर्वाइवल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन सबका अपना इंटरेस्ट होता है। मुझे पढ़ने पढ़ाने का जो सिलसिला होता है ना, बहुत मज़ा आता है मुझे। बहुत चीज़ों को सिंपली वे में समझाना, उसको अलग तरीके से समझाना, उसको क्रिएटिव वे में समझाना, दैट इज़ माई कीन इंटरेस्ट। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है मैंने ये वीडियोज़ आपके लिए बनाई हुई है। कंसिस्टेंसी, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, रट्टाफिकेशन मत मारो, चीज़ों को समझ समझ के पढ़ो, थोड़ा पढ़ो बट समझ के पढ़ो, क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग आपको काम आने वाली है। सो ये कुछ मेरे टिप्स थे, छोटे से, फोकस, कंसिस्टेंसी, कॉन्सेप्ट। आप लोग कहेंगे सर ये आइडिया सभी पे काम करेंगे? हाँ, मैं श्योर कर देता हूँ कि अगर आप ये स्टेप फॉलो करते हो तो दुनिया का कोई भी एग्जाम है, एक अटेम्प्ट में नहीं, दो अटेम्प्ट में, तीन अटेम्प्ट में, इट इज़ गोइंग टू क्रैक विथ यू। उसको क्रैक होना ही पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है, ये सब चीज़ें मैंने डिस्कस की। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आएगा और आप इसको बिल्कुल लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जो जूनियर्स, आप जितना भी इसको फैला सकते हो उसको फैलाओ बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें जो है ना, आपको हर बच्चे को फ़ायदा मिलना चाहिए। देखो, आप इंटरनेट पे देखते हो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन सिस्टमेटिक वे में और बेसिक तरीके से नहीं है। सब लोग आए, एक लेक्चर पढ़ाए और फिर बंद चैनल, इस तरीके से नहीं होता चीज़ें। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते आप। और जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए, वो मेरे बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर कैसे हैं, उनका नेचर क्या है, क्या सर का क्या, किस किस मकसद से सर ने चैनल खोला है, सबको पता है, ठीक है। आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू इन दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन ऑफ दिस टीचिंग। मैं बच्चों को पढ़ाने में मुझे बहुत मजा आता है, और जब बच्चे परेशान होते हैं तो मुझे देख के बड़ा अजीब सा लगता है कि यार वो कोलोजी के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं, सर कोलोजी नहीं समझ में आ रहा, सर केमिस्ट्री दिमाग से निकल जा रही है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत ईजी वे में इस चीज़ को ले आऊँ, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक मेरा पूरा जो है मैंने डिस्कस किया, उम्मीद है कि आपको जो है समझ में आएगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करो, शेयर करो, और चैनल आप जब देखो, सब्सक्राइब करने के लिए मुझे कहना नहीं पड़ेगा। जब आपको कंटिन्यू में वीडियो आएगी, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, सो डेफिनेटली आर गोइंग टू सब्सक्राइब। क्योंकि मैं किसके लिए कर रहा हूँ, आई एम जस्ट डूइंग फॉर यू पीपल, ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग एनी चार्ज फॉर दिस, ठीक है। मैं अपना, मेरा जो पोटेंशियल है, मेरा जो टैलेंट है, या मेरी जो एक्सपीरियंस है, दैट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। और ये चीज़ जो है, और शिक्षा पे किसी का वो थोड़ी ना होता है, शिक्षा तो सभी के लिए होना चाहिए, चाहे गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो।
तो मेरे चैनल का यही मकसद रहता है हमेशा, तो मैं क्लियर कर दिया हूँ कि मैं इस चैनल पर क्यों आया हूँ, आप सभी लोगों के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि ईच एंड एवरी बडी शुड बी स्ट्रांग, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे वो अच्छे से अच्छी जगह जाएं, चाहे मैंने अपनी जिंदगी में जो भी कुछ कर पाया हूँ मैं, अगर कुछ नहीं भी कर पाया तो मेरे बच्चे जो मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट वो करें बिल्कुल। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ आपसे बिल्कुल मैं विदाई लेना चाहूँगा, ठीक है। विदाई इन द सेंस मतलब नेक्स्ट वीडियोस के लिए, नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा, अभी चैनल नहीं वो करने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो कंटिन्यूटी धीरे धीरे आएगी, बस आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हर वीडियो जो है धीरे धीरे सारी चीज़ें आएंगी। मैंने बता दिया कि मैं क्या क्या करने वाला, ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डू। चलिए, आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से रहेंगे। अपना ध्यान रखिए, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन नहीं आई है, सो प्रिकॉशन इज मैंडेटरी। इसी मैसेज के साथ आपको छोड़े जाता हूँ, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।